उसका नाम सादी रखा है। सच? हाँ, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं। मैं ये तीनों बंडल्स काउंट करके गया था और अब 10,000 रुपए कम है। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? हाँ, अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे बच्चे के सामने क्यों आई हो? सारे घर वालों को धोखा देके इस कमरे में आके पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। सऊद, उठाओ उठाओ हाथ। ना है ना, प्लीज है ना। ये भाई है मेरा, मत लगाओ ऐसा इल्जाम, इसके बोझ तले मैं दब जाऊंगी। ताकि इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सच बता रही हूँ। टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी यहाँ पे। अरे चलो, मैं गिर जाऊंगी। तुमने इस कमरे से बाहर एक कदम भी निकाला तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक? अब उस औरत के लिए मुझे तलाक देना चाह रहे? वो औरत सिर्फ मेरी भाभी है। भाभी तो आपकी फरवा भाभी भी है, उनसे भी तो आपका यही रिश्ता है ना? आखिर उनसे इतना क्लोज क्यों नहीं है? कैसे समझाऊं तुम्हें? समझाया उसे ज्यादा जिसे कुछ दिख ना रहा हो। मेरी आंखों के आगे सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है मुझे। यार वो मेरी बड़ी बहनों की तरह है। ओ, बहन तो आपकी मारी आप ही नहीं है, उनके तो इतना क्लोज नहीं है। चुप नहीं रहूंगी मैं, सबको बता के रहूंगी। हटे पीछे, क्लास बंद करो। एक और लफ्ज भी बोलना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये भी अब मेरे पास है, ये भी तुम्हें फंक्शन खत्म होने के बाद मिलेगा और तुम भी फंक्शन खत्म होने के बाद यहां से बाहर जा सकती हो, समझी तुम? फवाद, सारा काम समझ में आ रहे हो? लोग पूछ रहे हैं। हाँ, फौरन जाओ। मेहमानों के सामने इस तरह ना आना, धोखा दे रही लोगों को बात। मुझे इस तरह कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। चुपचाप यहीं बैठी रहो, फंक्शन खत्म हो जाएगा तो जहां मर्जी जाती फिरना।
मैं लोगों के सामने अपने घर वालों की इंसल्ट नहीं करवा सकता, समझी तुम? कब तक, आखिर कब तक मुझे इस तरह बंद रखेंगे आप? चुप करके बैठी रहो। मुझे अम्मी से बात करनी है। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। फवाद, मैं नीचे नहीं जाना चाहती, प्लीज। क्यों? मैं साथ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपना साया भी उस पर नहीं पड़ने देना चाहती। मुझे लगता है मेरी वजह से उसको बहुत दुआओं से आया है वो इस घर में। फवाद, मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ हो मेरी वजह से। क्यों गए तुम्हें, कैसी बातें कर रही? जानता हूं तुम खुद से ये बातें नहीं कर सकती। जरूर फरवा ने कुछ कहा होगा तुम्हें, ना तुम तो बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड थी। फवाद, मैं अब भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जब अम्मा जाने भेजा तुम्हें लाने के लिए, तो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम जानती हो ऐसे मौकों पर वो बातें बनाने के बहाने ढूंढते हैं। तुम सिद्धमत करो, त्यारों के नीचे आ जाओ। मैं साउथ को देखूंगा कहाँ है। फवाद, आप फोन कर ले उन्हें, यही रहे, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। आप लोग सब अब दोबारा सारा को मुबारकबाद दें, क्योंकि साद अब अपनी बड़ी मम्मी के पास आया। Thank you.
सब क्या है अमित? बस ज्यादा तुम बैठी रहो, सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ओके? शाबाश। चलो भाई, थक गई हूँ मैं, बकार चलें, घर चलते हैं। चलो चलो चलें। चलो मान, मेरे ख्याल में चलते फरवा ऊपर चली गई है, यहाँ पे रह के अब क्या करते, सब कुछ हो गया। आप इससे मिलना नहीं है क्या? वो चली गई कमरे में, चलो घर जाके बताओ। चलो माशाल्लाह से तकरीब अच्छी होगी। और अम्मा जान, आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश भी पूरी होगी। हाँ सही कह रहे हो, बरसों की ख्वाहिश थी कि मैं अपने पोते को अपने हाथ से खिलाऊं, और अल्लाह ने आज वो भी पूरी कर दी। अम्मा जान, चाय से पहले खाना खा लेते ना, खाना लगवा दो। नहीं फवाद, मैं सोने जा रही हूँ, जरा थक गई। ठीक है सऊद, तुम कहाँ थे पूरी तकरीब में? ना तुम नजर आए ना हिना। वो अम्मा जान, दरअसल बाहर एक दोस्त मिलने आ गया था तो उसके पास खड़ा था, फिर वहां से मैं सीधा कमरे में चला गया। हिना के भी सर में बल्कि दर्द थे, अंदर ही सो रही थी। ये कोई मौका है सोने का? अभी तो यहाँ तैयार होके बैठी हुई थी और फिर चली गई। उस लड़की का भी अपना दिमाग है, ना हम उसे कुछ समझा सकते हैं ना तुम। खैर मैं जा रही हूँ।
गरम क्यों हो रहा है इसका सर? बुखार हो रहा है ऐसे तो बहुत तेज। मुझे सोता छोड़ के ये कहाँ चला गया? अम्मा जान देखिए ना इसे, इसको तो बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को, अच्छा खासा था सुबह। अच्छे से हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्दी से। मैं और फरवा ले जाते हैं, आप घर पर ही रहें। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल चैन नहीं आएगा। तुम जाओ जाओ, गाड़ी निकालो, बैठ जाओ। पता नहीं अचानक से बहुत तेज बुखार हो गया उसे। वही हुआ ना जिसका डर था मुझे, लग गई ना उस मनहूस की नजर। फरवाना मुझे उसके करीब नहीं आने देती, कहती जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ वो बीमार पड़ जाता है। मुझे लगता है वो मेरी वजह से। अभी भी फरवा यही कह रही होगी ना, सऊद मुझे समझ नहीं आ रही ये है ना क्यों इस तरह की बातें कर रही है। पागल हो गई है ये, दिमाग खराब हो गया इसका दिमाग। करे से कोई ऐसी बात किधर कर लेते हो इसे। नहीं सऊद, तुम उसको कुछ नहीं कहोगे प्लीज। ऐसा कुछ मत करना कि मेरी इज्जत पे हर्फ, मेरे किरदार पर हक है खुदा के लिए। सऊद मेरी बात सुनो, ये सब ना मुझे कसूरवार समझेंगे, तुम्हें ये बात पता है। टेंशन ना कि मैं क्या, आप प्लीज घबराएं मत, एवरीथिंग विल बी ओके। तो मेरे खिलाफ प्लानिंग की जा रही है ना? फॉर गॉड्स सेक, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? व्हाट्स रॉन्ग विद यू सऊद? पागल हो तू? मेरी बात की समझ नहीं आ रही सऊद? साउथ, साथ की तबीयत ठीक नहीं, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम भी साथ आ जाओ। हिना, ऐसे क्या जादू किया हुआ आपने मेरे शौहर के ऊपर? उसकी नजर में उसकी बीवी की भी इतनी अहमियत नहीं है जितनी आपकी है। ऐसी भी क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की? इंसान जिस एंगल से देखना चाहता है ना, उससे वही चीज नजर आ रही होगी। खुदा के लिए इस तरह मत देखो, हमें मत देखो। पहले आंखें देखती हैं फिर इंसान को एंगल फोकस करता है, और मेरी आंखें कभी धोखा खा ही नहीं सकती। मैं बहुत जल्द आपको बेनकाब करके ही रहूंगी। मुझे लग रहा है बच्चे को जॉइंटिस हुआ है, पहले हम इनके टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा।
कोई खतरे की बात तो नहीं है? देखिए, रिपोर्ट्स के आए बगैर मैं कुछ नहीं बता सकता। स्टाफ, आप इन्हें रूम में शिफ्ट करें और टेस्ट के लिए लैब में ले जाएं। ओके सर, ठीक है। अरे तुम तो अभी से थक गए? अबे तो फरवापी का घर भी तो दुनिया के कोने पर है, आने जाने में थक जाए बंदा। हाँ भाई, अमीर लोग अमीर इलाकों में ही रहते हैं, हम हमारी तरह से कोई गली मोहल्लों में नहीं रहते। वैसे अम्मा, हकीकत था बहुत शानदार है, इतने मजे मजे के खाने थे, मजा आ गया। सब पैसे का खेल है, और हमारी फरवा का नसीब भी। अरे अम्मा, नसीब तो बस आप ही ने अपना ही बदला है, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। सोचा था आप ही की शादी के बाद हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिया तो है उसने, नौकरी मिली है तुम्हें इतनी अच्छी, और क्या चाहिए भला? काहे की नौकरी, 20,000 रुपए तनख्वाह है, इतनी बड़ी खुशी आई है, कम से कम आप ही को ना हमें घर देना चाहिए। घर? हाँ, नहीं तो क्या, वाद भाई को इतनी बड़ी खुशी दी आप ही ने, बच्चे की खुशी में घर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? लग गया तो मेरी शादी भी कर देना ना, पोते पोतियाँ होंगी उनके साथ खेलना है, पोते पोतियों को शौक नहीं है तुम्हें? क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। ठीक है फिर, आप ही से बात करो और मेरे लिए कोई लड़की भी ढूंढ लो। मौका देख के बात करती हूँ फिर। बात कर लेना। कहा ना करती हूँ। चलो मामा, कपड़े बदलवा दो और फिर सोना है, देर हो गई है। चल। चामली। क्या बात है, अपनी बीवी के पीछे लग के अब अपनी माँ को मूड दिखाने लग गए हो? कितनी दफा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अम्मी, आपने मेरी बात मानी? नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही हैं। जिद नहीं है ये, अना का मसला है, और तुम्हारी बीवी ने भी तो अना का मसला बनाया हुआ है कि उसकी माँ ना तो मुझे फोन करेगी ना मनाने आएगी। गॉड से तो आप लोग कब तक ये अना और जिद का खेल खेलते रहेंगे, कब तक मुझे बताएं? तो बेटा ये बात अपनी बीवी को समझाओ ना। आप मेरी माँ है, आप समझिए, वो समझेगी। क्या हो गया बकार के जरिए, क्या मैसेज देना चाहती है आप? प्लीज मेरे मुँह पे कहिए। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, समझी तुम? वाह क्या बात है, कुछ दिन पहले तो आप मुझे बेटी बेटी करके नहीं थक रही थी, और अब अचानक आपका ये ढोंगे, तो आप मुझे बता दें रियलिटी क्या है। जब तुम ड्रामे कर सकती हो हमारे साथ, तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना मारिया, अगर मेरी बच्ची को कोई तकलीफ पहुंची या तुम लोगों ने कोई ज्यादती की, तो इस घर में मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी, समझी तुम? देखिए आपने, अब तो इनकी हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दें आप, अल्लाह का वास्ता है आप।
ये सब क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, आपने इतना कुछ कर दिया है उसके बावजूद मैं ये भी नहीं कर सकती। प्लीज बात को गलत रंग देने की कोशिश मत करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। नहीं सऊद, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मेरा आपके साथ गुजारा मुश्किल हो चुका है, मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा और सारा भाभी का रिश्ता सिर्फ इज्जत और एहतराम का है, किसी की भी कसम उठवा लो। खाए मेरी कसम। तुम्हारी कसम यार, और किसी की कसम उठवानी तो वो भी उठवा लो। सारा भाभी सिर्फ मेरी भाभी है, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है हमारा। ऐसी बातें करके तुम मुझे मेरी नजरों में गिरा देती हो। खुदा के लिए इतने पाक रिश्ते को यूं पामाल मत करो। पहले घर में इतनी टेंशन चल रही है, जब से साथ बीमार हुआ परेशानी और बढ़ गई है। अच्छा, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप मुझे कमरे में क्यों बंद किया था? क्योंकि तुम उसको कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। बात जब कमरे से निकल के घर के सहन में फैलती है ना, तो उससे नफरत और इंतजार पैदा होता है। वैसे भी तुम उसको बहुत हाइप करती, मुझे यही बेहतर लगा कि तुम्हारा ये फोन भी मैंने उस टाइम ले लिया था। मम्मा कितनी सारी कॉल्स, क्या बोलूंगी मैं उनको? खुदा के लिए इनको मत बताने बैठ जाना। आप सच कह रहे हैं ना? अब ये कपड़े भी मैंने ही रखने हैं या आप उठ जाएंगी? हाँ मैं रख देता हूँ, आप बैठ जाओ। वकार, थैंक यू, आज आप हकीकी में चले गए मेरे साथ, आपने मेरी बात मानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अम्मी नाराज हो गई हैं, बहन की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। वकार आप जानते तो हैं अम्मी शुरू से जिद्दी हैं, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो नाराज जाती हैं, और वकार आज अम्मी गलत थी। तुम सही कह रही हो, क्या है कि बचपन में ना अम्मी जब भी मुझसे नाराज हो जाती थी तो मुझे डिप्रेशन हो जाता था। इसलिए मैंने सारी जिंदगी अपनी की सारी बातें मानी है। तुम्हें पता है मुझे अभी भी डिप्रेशन हो रहा है। मेरी बात सुने वकार, अब आप बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे हैं, अब आपके दो बच्चे हो गए हैं, आपकी एक बीवी है, आपको हमारा ख्याल रखना है। अब जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश तो करता हूं मगर एक सेकेंड, फरवा की कॉल आ रही है। हेलो। हाँ फरवा, मारे आपी साथ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है इस वक्त। क्या बीमार है? कैसे, क्या हुआ उसे? पता नहीं, अचानक से बहुत तेज बुखार हो गया उसे। वो ही हुआ ना जिसका डर था मुझे,
लग गई ना उस मनहूस की नजर। खैर तुम फिक्र नहीं करो, बस मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। नहीं नहीं अभी आप आराम करें, जितने भी टेस्ट साथ के होने थे वो हो चुके हैं, अब सुबह ही पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट्स आई हैं, तो आप आराम से आ जाइएगा। आप अच्छा फवाद किधर है? बाहर गए हैं अभी। ओके खुदा हाफिज। फरवा का फोन था, उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेके गया, उसके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं अभी। अल्लाह खैर रखे। वैसे मुझे तुम्हारी ये भाभी फरवा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, बहुत चालाक औरत। कौन फरवा? नहीं वकार, वो तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, ये जो सारे है ना यही चालाक है बस। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ओके? मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मम्मी से रूडली बात नहीं किया करो मेरी खातिर, मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे, कितनी देर से आपको कॉल्स कर रही हूँ मैं। उस वक्त मैं साथ को टेस्ट करवाने के लिए लैब में ही लेकर गया था। कैसा है साथ? कल पता चलेगा। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, हालात उसको जिंदगी दे सेहत थे, मैं बहुत परेशान हूँ फवाद। तुम फिक्र ना करो वो ठीक हो जाएगा। फवाद फरवाना मुझे उसके करीब नहीं आने देती, कहती जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ वो बीमार पड़ जाता है, मुझे लगता है वो मेरी वजह से। अभी भी फरवा यही कह रही होगी ना? क्या फजूल और दकियानूसी बातें कर रही हो तुम सारा, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ लेकिन मेरी सोचों पे मुझे मुझे कंट्रोल थोड़ी है फवाद, मैं भी नहीं ऐसा सोचना चाहती लेकिन मैं वहमी हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ऐसा है शायद। अपने दिल से सारे वहम निकाल दो सारा, बीमारी और शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में, दुआ करो। हाँ मैं बहुत दुआ कर रही हूँ, मेरा बेटा है वो, कर रही हूँ दुआ अल्लाह उसको सेहत दे, अपना ख्याल रखेगा। और साथ का भी, साथ भी अपनी बड़ी मम्मी से बहुत प्यार करता है, अगर भी बोल सकता तो मम्मी को अलग कहता। Thank you.
कौन है ये सुबह सुबह? हेलो मामा। अरे हिना बेटा कहाँ हो तुम? कल शाम से मैं तुम्हें मुसलसल फोन कर रही हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। अरे इतनी बिजी हो गई हूँ फंक्शन में कि माँ के साथ बात भी नहीं कर सकती। नहीं वो मम्मा एक्चुअली सीन ये हुआ था ना कि अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी। जी वो रात को घर के फंक्शन में बिजी थे ना सब। जी जी आपको भी बहुत मिस किया, आप आई क्यों नहीं बाय द वे? हाँ हाँ बेटा मिस करते तो लेने ना आ जाते, भाई तुम लोगों ने तो एक बार भी ना पूछा। नाराज हैं आप? अगर कोई नाराज हो तो उसे मनाने से उसकी नाराजगी दूर हो जाती है, पर तुम्हारी अम्मा जान ने तो एक बार भी फोन करके नहीं पूछा। ओह आई सी, सॉरी आंटी मुझे पता नहीं था, वरना मैं अम्मा जान से जरूर बात करता। चलें आप नाराजगी तो छोड़ देना। अच्छा देखूंगी बेटा, अभी मेरी हिना से बात करवा। हिना बेटा आज तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना है। मम्मा वो एक्चुअली साथ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, मैं शायद ही आ पाऊँ। देखो बेटा मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है, तुमने ज़रूर आना है, समझी ना? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। है ना, एक बात कहूँ इसे? मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, हमारी फैमिली में शिकवे शिकायत कुछ ज्यादा ही नहीं है। प्लीज अब तुम भी इनमें से निकल आओ और अपनी मम्मा को भी समझाओ। कोई बात होती है तो शिकवे होते हैं, कोई पागल नहीं है यहाँ पे।